आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु का मंदिर कांचीपुरम के अति वर्तराज 40 साल में सिर्फ एक बार दर्शन। भारत के तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। हिंदू धर्म में 7 ऐसे तीर्थ हैं जो सबसे पवित्र माने जाते हैं, उनमें से एक है कांचीपुरम। कांचीपुरम का अर्थ है ब्रह्मा का निवास स्थान। वेगवती नदी के किनारे स्थित मंदिरों की भूमि कहे जाने वाले इस दिव्य स्थान में स्थित है। ऐसे कई हिंदू मंदिर जिनका इतिहास युगों पुराना है और जो आज भी उसी रूप में पूज्य है जिस रूप में हजारों साल पहले हुआ करते थे। इन्हीं महान मंदिरों में से एक है श्री वरदराजा पेरुमल मंदिर। इसे श्री देवरा स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को, जो अति वरदराजा या वरदराजा स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा स्थान है यहाँ मंदिर के इष्ट देव 40 सालों में एक बार पूजे जाते हैं, क्योंकि 40 साल में एक बार ही भगवान वरदराज स्वामी की मूर्ति मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अनंत सरोवर से बाहर आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती नाराज होकर देवलोक से इस स्थान पर आ गई थी। इसके बाद जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उन्हें मनाने के लिए आए तो ब्रह्मा जी को देखकर माता सरस्वती वेगवती नदी के रूप में बहने लगी। ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए माता सरस्वती नदी के तीव्र वेग के साथ आई। तब माता सरस्वती के क्रोध को शांत करने के लिए यज्ञ की वेदी से भगवान विष्णु श्री वरदराजा स्वामी के रूप में प्रकट हुए। इस क्षेत्र में अंजीर के पेड़ों का एक विशाल जंगल था, इसलिए इन्हीं अंजीर के पेड़ों की लकड़ी से देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने इस वरद राजा की प्रतिमा का निर्माण किया। अंजीर को अथि के नाम से जाना जाता है, इसी कारण भगवान श्री वरद राजा को अथि वरद राजा के रूप में जाना जाने लगा। विश्वकर्मा जी ने अथि वरद राजा की 11 फुट की मूर्ति का निर्माण किया था। 11वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का निर्माण महान चोल शासकों ने कराया था और इसके बाद लगातार हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण होता रहा। 23 एकड़ में बने इस मंदिर में 19 विमानम के अलावा 400 स्तंभों वाले मंडप हैं, जो श्री वरद राजा को समर्पित हैं। 16वीं शताब्दी तक मंदिर के गर्भगृह में श्री वरद राजा की मूर्ति विराजित थी। पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी पूजा हुआ करती थी, लेकिन पूरे भारत की तरह मंदिर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों की भेंट चढ़ गया। मंदिर में जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तब भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे मंदिर परिसर में स्थित अनंत सरोवर के अंदर डाल दिया गया। 40 सालों तक मंदिर बिना मूर्ति के रहा। जब अंततः मूर्ति नहीं मिली तब मंदिर में श्री वरद राजा की पत्थर की एक मूर्ति बनवाई गई और उसकी स्थापना मंदिर के गर्भगृह में की गई। सन 1709 में किसी अज्ञात कारण से अनंत सरोवर का जल कम हुआ, जिससे भगवान अथि वरद राजा की वही पुरानी मूर्ति बाहर आ गई। मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मकर्ता के दो पुत्रों ने लकड़ी की उस मूर्ति को सरोवर से बाहर निकाला और मंदिर के गर्भगृह में उसकी स्थापना की, लेकिन गर्भगृह में 48 दिन तक रहने के बाद मूर्ति पुनः सरोवर में चली गई। उसी दिन से यही तय किया गया कि मूर्ति को 40 सालों में एक बार निकाला जाएगा। ऐसी मान्यता है कि मुख्य मूर्ति की अनुपस्थिति में पत्थर की एक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से की गई थी। इसी कारण सनातन की मर्यादा का मान रखने के लिए भगवान श्री वरद राजा की पुरानी मूर्ति ने सरोवर के भीतर ही रहना स्वीकार किया, जिसकी पूजा गुरु बृहस्पति सरोवर के अंदर ही करते हैं। 21वीं शताब्दी में 2019 में मूर्ति सरोवर से बाहर आई थी, तब 48 दिनों का वरदार उत्सव मनाया गया था। 1 जुलाई से शुरू होकर यह उत्सव 9 अगस्त तक चला था। इससे पहले 1979 में श्री वरद राजा की मूर्ति अनंत सरोवर से बाहर आई थी। अब आगामी 2059 में पुनः भगवान की मूर्ति सरोवर से बाहर आएगी, तब वरदराज उत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक सामान्य आयु वाला व्यक्ति अपने जीवन में एक या दो बार ही श्री वरद राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। जय हो वरद राजा जी। जय विष्णु जी की।